सलूम्बर में भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए भाजपा के दावेदार नरेंद्र मीणा अब मान गए हैं। कहा कि देश पहले और वे पार्टी में दोफाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने आज से ही भाजपा की घोषित उम्मीदवार शांता देवी के लिए चुनाव में काम करना शुरू कर दिया है। इसमें कार्यकर्ताओं ने कसम खाकर कहा कि वे भाजपा के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। आज उदयपुर के बरीचा स्थित भाजपा कार्यालय में समर्थकों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे खत्म हुई। बैठक के बाद बाहर आकर निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि नरेंद्र मीणा भाजपा में थे और रहेंगे, और अभी से भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि सब कार्यकर्ताओं से बात हो गई है, संतुष्ट हैं और सबने कसम खाई है कि पार्टी को यहां से जिताएंगे और उसका संकल्प लिया है। मीणा भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है और अगर होती है तो हमने बैठकर बात की और इन्होंने पूरी जिंदगी दी है, ये पार्टी के साथ हैं। मीडिया से बातचीत में नरेंद्र मीणा ने कहा कि टिकट नहीं मिलने पर सबने अपनी बात रखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में सोमवार को मुलाकात हुई। इसके बाद तय किया है कि क्षेत्र में जो राष्ट्रीय गतिविधियां चल रही हैं, ऐसे में उन ताकतों से मुकाबला करने के लिए भाजपा को दोफाड़ में नहीं बटने देंगे। उनको रोकने के लिए संगठन के साथ हूं और मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। मेरा दर्द ही कार्यकर्ताओं का दर्द था। कार्यकर्ताओं की बात पहुंचा दी है, उनका सम्मान बना रहेगा। पार्टी के प्रमुख लोगों के बीच राय लेकर आज चर्चा की। मेरा अगला निर्णय सब कार्यकर्ताओं के बीच किया है। अब शांता देवी के लिए काम करेंगे और सीट को जिता कर देंगे। इस बैठक में भाजपा देहात अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, वल्लभ नगर विधायक उदयलाल डांगी भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ताओं से हमारी सबसे बातचीत हो रही है, सब संतुष्ट है। सब कार्यकर्ताओं ने कसम खाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प किया है। सभी सलूम्बर के विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। देने की बात थी कि नरेंद्र जी को निर्दलीय लड़ाना है या फिर बीजेपी के साथ, क्या बोलेंगे? नरेंद्र जी मीणा भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे और आज से नहीं अभी से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कैसे कम करेंगे? कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ताओं से हमारी सबसे बातचीत हो गई है, सब संतुष्ट हैं। सब कार्यकर्ताओं ने कसम खाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है। मैं सभी सलूम्बर के विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे उदयलाल जी ने विरोध किया था, दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी, उनको नहीं कर रही है। नरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और ये आज से काम पे लग रहे हैं। नहीं, कल तक जो ये नाराजगी दिखा रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि आज पार्टी के साथ हो गए? ऐसा है, पार्टी में कोई नाराजगी होती है तो बैठ के उसका रास्ता निकालना पड़ता है। हमने बैठ के बात की और नरेंद्र जी की समझ में आ गई और ये पार्टी के लिए पूरी जिंदगी दी है इस आदमी ने पार्टी के लिए। नरेंद्र जी, क्या समझ में आया आपको, बताइए थोड़ा सर, पूरी बात बताइए आपने, क्या कुछ रहा दो दिन का? नाराज तो अभी भी दिखा दे इनका चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की प्रत्याशी की, उसके बाद में सलूम्बर में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और मुझे टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी मन की अभिव्यक्ति की। उसके पश्चात कल हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे जयपुर बुलाया और जयपुर में मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उनको बताया और मुख्यमंत्री जी ने और हम सब ने जिस तरह से इस क्षेत्र में अराष्ट्रीय गतिविधियां चल रही है, उन ताकतों को मुकाबला करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ में बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से अराष्ट्रीय शक्तियां यहां पे विजयश्री हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। उन्हें रोकने के लिए हम संगठन के सिपाही हैं, संघ का मैं स्वयंसेवक हूं, हमेशा हमने मातृभूमि को प्रथम माना है और हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, इस मंत्र को हमने आत्मसात किया है। कार्यकर्ताओं की मन की बात को पहुंचाना था, हमने वहां पहुंचाया। उचित समय पे कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी ध्यान में रखेगी और आज सलूम्बर से यहां उदयपुर में कम से कम
200 कार्यकर्ता आए हैं प्रमुख लोग, और प्रमुख लोगों के बीच में उनकी राय लेके जो हमने वहाँ पे जब बैठक हुई थी तब भी ये कहा था कि अगला जो निर्णय होगा हम प्रमुख कार्यकर्ताओं की राय लेके सर्व समाज के कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन का की राय लेके और अगला निर्णय हम सार्वजनिक करेंगे, ये बात हमने कही थी। और आज उसी के अनुरूप आज हमारे पूर्व मंत्री जी कृपलानी साहब और विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेताओं के बीच में उनके उपस्थिति में उन सारे कार्यकर्ताओं के सामने बात रखी है और हम सभी अब संगठन हित में और जो पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की है उसके पक्ष में हम काम करेंगे सभी कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहेंगे, चलता रहेगा यही दौर। कोई बात नहीं, नाराजगी कैसे खत्म करेंगे, नाराजगी खत्म हो चुकी है, लग रहा है इनको उदयलाल जी बनना पड़ता तो इनको टिकट मिलती, हर आदमी पर उदयलाल जी नहीं बन सकता, ये बात भी है, नहीं बन सके ना, ये बनते तो इनको टिकट मिलती। बेहड़े मत बोलो, कणलिया नंद चलिए श्रीचंद कृपलानी निंबाड़ा।